डॉक्टर रौनक अपने केबिन में पेशेंट देखने में मशगूल थे, तभी उनके कानों में कंपाउंडर की गुस्से से किसी को डांटने की आवाज आई। उसने बेल बजाया, कंपाउंडर भागता हुआ आया। डॉक्टर रौनक पूछने के लगे कि क्या हुआ, किसे डांट रहे थे? उसने बताया, सर एक लड़का सुबह से ही परेशान कर रहा है, कहता है कि मेरी मां का इलाज करा दो, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं जब तक आपकी फीस नहीं चुका देता, पूरे हॉस्पिटल की सफाई और जो भी काम कहोगे करता रहूंगा, पर एक बार मेरी मां को डॉक्टर साहब को दिखा दो, मैं बार बार मना कर रहा हूं कि बच्चे से काम कराना बाल अपराध के अंतर्गत आता है, हम नहीं रख सकते, पर हाथ पांव जोड़े बार बार आ जाता है। डॉक्टर ने कहा, अच्छा बुलाओ उसे मेरे पास, मैं देखता हूं। कंपाउंडर उस बच्चे को लेकर आता है, उसकी उम्र मुश्किल से 12 साल रही होगी। आते ही डॉक्टर के पैरों में पड़ जाता है, डॉक्टर साहब मेरी मां को बचा लो। डॉक्टर साहब सब कहते हैं कि मां का इलाज आप ही कर सकते हो। डॉक्टर रौनक उसे उठाते हुए कहते, अच्छा ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? राजू नाम है साहब, बच्चे ने जवाब दिया। अच्छा राजू, कहाँ है तुम्हारी माँ? घर में। और कौन कौन है? पिता क्या करते हैं? माँ है और एक छोटा भाई है। माँ और एक छोटा भाई है साहब, पिता का कोई पता नहीं, कहाँ है? माँ कहते कि वो हमें छोड़कर चले गए, पता नहीं कहाँ गए। माँ यहीं किसी के घरों में काम करती है, पर अब वो काम नहीं कर सकती, खांसी रहती है तो कोई लगता नहीं। और मैं एक होटल में बर्तन धोने का काम करता हूँ साहब, वहाँ खाना और थोड़े पैसे मिल जाते हैं, बचे हुए खाना भी घर ले आता हूँ। माँ को सरकारी अस्पताल में दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ, सब कहते आप अच्छे डॉक्टर हो, माँ को ठीक कर दोगे। डॉक्टर साहब, माँ को कुछ हो गया तो हम भी मर जाएंगे। डॉक्टर साहब, माँ के अलावा हमारा कोई भी नहीं है, माँ को अगर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? अगर बच्चों के काम करने से पुलिस केस हो जाता है तो मैं आपके घर में चुपचाप काम कर लूंगा, सब कहता हूं, किसी को नहीं बताऊंगा, पर मेरे माँ का इलाज कर दीजिए डॉक्टर साहब, मेरी माँ का इलाज कर दीजिए। बच्चे की बात सुनकर डॉक्टर रौनक की आंखों में आंसू आ गए, वो बोले, बेटा माँ किसी की भी नहीं मरने दूंगा, मैं खुद खो चुका हूं अपनी माँ को, तो पता है क्या कर, मन ही मन बुदबुदाते हैं। अच्छा ले आओ अपनी माँ को, अभी चेकअप करता हूं। राजू खुशी से दौड़ता हुआ जाता है, थोड़ी देर बाद एक कमजोर सी महिला को लेकर आता है। डॉक्टर साहब ये मेरी माँ है, डॉक्टर साहब ये मेरी माँ है, इनका इलाज कर दो, जब तक आप कहो आपके घर में काम करने को तैयार हूं। डॉक्टर रौनक हंसते हुए कहते हैं, अच्छा बाबा ठीक है, तुम चुप हो जाओ, कर देंगे इलाज। डॉक्टर राजू की माँ का चेकअप करते हैं, कुछ एक जांचें भी करना आवश्यक था तो अपने स्टाफ मेंबर से कहते हैं कि जरा करा के बताओ। सारी रिपोर्ट देखने के बाद पता चलता है कि उसकी माँ को टीबी है, उसकी माँ को टीबी है। डॉक्टर रौनक सारी दवाएं मंगवा कर राजू को दे देते हैं और अच्छे से समझाते हैं कि कौन सी दवा कब देनी है और इनका इलाज लंबे समय तक चलेगा। राजू पूछता है कि मुझे अब क्या काम करना है, बता दीजिए। डॉक्टर रौनक कहता है, बेटा हमारा अपना एक स्कूल चलता है, वहां आपको और आपके भाई को पढ़ाई कराना है। पर डॉक्टर साहब घर कैसे चलेगा? डॉक्टर रौनक मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अभी 2 महीने का खर्चा तो मैं तुम्हें दे, बाद में जब आपकी माँ ठीक हो जाएगी तब उनको वो अपने ही हॉस्पिटल में काम दे दूंगा, अब तो खुश हो ना, कहकर राजू के सर पर हाथ फेर कर डॉक्टर रौनक अपने पर्सनल केबिन में जाते हैं, जहां उनकी माँ की तस्वीर लगी है उससे कहते हैं, माँ मैं तुम्हें एक पल भी नहीं भूल पाता, तो माँ मैं फिर किसी को अनाथ होते कैसे देख पाता, मैं किसी को अनाथ होते कैसे देख पाता, माँ कैसे देख पाता। इंसान ये तभी जिंदा है, ये मार्मिक कहानी नीलू सिंह चौहान द्वारा
अंकित की गई है, जिसे हमने वीडियो रूपांतरण कर स्वर देने का प्रयास किया है। हम है पूर्णमल पारिक, जवान भाई, जवान भाई।